इंदौर में कलयुगी पिता ने ट्रेनिंग देकर अपने बच्चों को बनाया चोर। दुनिया में हर पिता जहां अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छा और संस्कारी बनाना चाहता है, वहीं एक कलयुगी पिता ऐसा है जिसने बाकायदा अपने बच्चों को ट्रेनिंग देकर चोर बना दिया। पुलिस ने कई चोरियों के मामले में खुलासा करते हुए आरोपी पिता सहित चार नाबालिग बच्चों को गिरफ्तार किया है। दरअसल लसूड़िया थाना क्षेत्र के बाईपास स्थित आने वाली कॉलोनी में लगातार हो रही चोरी के चलते पुलिस ने मुखबिर तंत्र सक्रिय कर रखे थे। कई घटनाओं में नाबालिग बच्चों की जानकारी मिल रही थी। घेराबंदी कर पुलिस ने चार नाबालिग बच्चों को हिरासत में लिया और लगभग 12 से भी अधिक हुई चोरियों का पूछताछ में खुलासा किया है। घटनाओं के पीछे बच्चों से अपराध कराने वाले उनके ही पिता उन्हें ट्रेनिंग देने के बाद बच्चों को नकबजनी और चोरियां करवाने लगे। पुलिस ने तीनों नाबालिगों को हिरासत में ले लिया है। वहीं अन्य और भी घटनाओं के मामले में पूछताछ की जा रही है। जी हाँ, चार नाबालिग पकड़ाए हैं। पिछले विगत दो माह से थाना लसूड़िया क्षेत्र के आउटर कॉलोनियों में चोरी की सूचनाएं मिल रही थी, जिस पर से आधा दर्जन अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था और लगातार इन अज्ञात आरोपियों पर निगरानी रखी जा रही थी। मुखबिर कल दिनांक को मुखबिर की सूचना मिली थी कि चार नाबालिग लड़के जो कि मोटरसाइकिल में सुने मकानों पर और आउटर कॉलोनियों पर बेवजह घूमते हैं, जिस पर से उन्हें सतत निगरानी रखी गई और पकड़ कर पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। यह आरोपी सभी चारों आरोपी नाबालिग है। इन्होंने कबूला है कि ये अपने पिता के कहने पर ही चोरी करते थे। पिता को भी धारा 411 के अंतर्गत मुलजिम बनाया गया है और उन्होंने यह भी कबूला है कि जो चोरी का माल है वो अपने पिता के साथ कोई उस्मान नाम के कबाड़ी को बेचा करते थे।